आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र से। वहां पर पचपेड़ी की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक छात्रावास से एक बालक की, एक नाबालिग बालक की वहां पर लाश मिली है। याद हो कि हमने कुछ समय पहले आपको एक खबर बताई थी जिसमें किडनैपिंग का मामला लग रहा था कि एक बच्चे को दोपहर के समय किसी ने किडनैप कर लिया है। परंतु अब जाकर ये खबर सामने आ रही है जिसमें उस बालक की लाश मिली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मस्तूरी से रविन टंडन। रविन, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है इस मामले को लेकर? जी सर, यहाँ पे जो लड़का है पीयूष नायक, वो 8 साल का बच्चा है। उसके क्या बोलते हैं, जिससे शादी होने वाले थे उसके जीजा जी हैं, और अब से रंजित हुआ है। दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, उसकी होने वाली बीबी और उसके बीच में झगड़ा हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ है। और वो बच्चे को ले जाके मनगढ़ंत कहानी बना रहा था कि मैंने बच्चे को दूसरे के साथ जाते हुए देखा है, किडनेप किया हुआ है करके मनगढ़ंत कहानी बोल के पुलिस वाले को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा था। और लड़के को करीबन वो 12-1 बजे करीब उसको मार के कन्या हॉस्टल है उसी के साइड में दीवार के किनारे ईटे से लदक के दबा दिया गया था उसको। अच्छा, तो जैसे कि जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो मारने वाला जो व्यक्ति है 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, और उस बच्चे की हत्या उसके होने वाले जीजा जी ने कर दी है। जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि मृतक बालक की बहन से इस व्यक्ति की शादी होने वाली थी और बातें चल रही थी शादी को लेकर, और शायद ये एक दूसरे के घर में मिलने भी आने वाले थे, लेकिन इसी बीच में उस लड़की और इस लड़के के बीच में झगड़ा हो गया और फिर बाद में इस छोटे से बच्चे को किडनैप कर लिया गया और अब जाकर उनकी लाश मिली है। जैसे आप प्रवीण बता रहे हैं कि आज की जानकारी निकलकर शाम तक ये आई है कि बच्चे की लाश मिली है छात्रावास के पास, कन्या छात्रावास के पास, आप जैसे बता रहे हैं। ये पुलिस वालों को जानकारी कैसे हुई, कैसे वो इस आरोपी तक पहुंचे हैं? बच्चा उसी के साथ खेल रहा था तो उसको वो ही बताया कि दो जने बाइक में, हरे बाइक में डीलक्स में लेके आए बच्चे को किडनैप करके लेके गए बोल के, तो उसके ऊपर डाउट था लेके यहाँ पे आए। वो पुलिस वालों को गुमराह कर रहा था, कभी तरफ घुमा रहा था। उसके बाद उसको जब मार पड़ा पुलिस वालों की तरफ से, तब जाके वो शाम को 7-8 बजे करीब बताया कि मैंने बच्चे को मार दिया है और हॉस्टल के साइड में कॉर्नर में ईटे से लदक दिया है बोल के बताया वो। तो ये मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चा जो है, मृतक जो बच्चा है, वो अपने होने वाले जीजा जी के साथ ही खेल रहा था और उसी ने, जीजा जी ने ही जानकारी दी थी पुलिस वालों को कि किसी ने उसे किडनैप किया है। जैसे कि आपने बताया था कि हरे कलर के पल्सर में सिटी डिलक्स में दो नकाबपोशों ने उसकी किडनैप की है करके, लेकिन बाद में कड़ाई से पूछताछ की क्योंकि वो लगातार गुमराह कर रहा था, तो कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने फिर जानकारी दी कि हाँ मैंने ही हत्या की है और छात्रावास में उसे ईंटों के बीच में दबा दिया है। जी, और कुछ जानकारी देना चाह रहे थे आप? जी सर, आज उसके फैमिली वाले, लड़के के फैमिली वाले जसपुर से आ रहे थे, जिसका नाम है ओम प्रकाश नायक, जिसे शादी होने वाली थी। उसके पिता का नाम है राजकुमार नायक, 19 वर्ष का है। उसके घर वाले शादी के लिए आज घर देखने के लिए लड़की के यहाँ आ रहे थे, पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो क्या बोलते हैं, ये घटना पता चला, बच्चा गायब है बोल के 1 बजे पर आके थाना में रिपोर्ट कराए, फिर जाके पता चला है कि उसको मार के दफना दिया गया है। तो रविन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से बच्चे को मारा है उसका। चलिए, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि वजह क्या थी उस बच्चे की हत्या करने की, क्योंकि रिश्ते तो लगभग बातें हो चुकी थी, एक दूसरे से मिलने वाले थे, ये एक दूसरे के परिवार आपस में मिलने वाले थे। रविन, ये बताएं कि हत्या जो आरोपी है वो उसने जब हत्या की है तो किस प्रकार से हत्या की है, क्या गला दबाया है कि क्या कुछ किया है?
उसका तो अभी खुलासा नहीं हो पाया, और आरोपी बता रहा था कि मैं गले दबाकर उसको मारा हूँ बोल के उसको मर्चुरी ले गया है। कल पोस्टमार्टम होके जानकारी उसका पता चलेगा। चलिए तो कल पोस्टमार्टम के बाद अधिक जानकारी निकलकर सामने आएगी। परंतु इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र से। पचपेड़ी छात्रावास में एक लाश मिली है। दोपहर में सूचना आई थी कि वहां से एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया है करके, लेकिन अभी शाम रात होते तक ये जानकारी निकल कर सामने आई कि उस बच्चे की किडनैप हुए बच्चे की लाश मिली है। लापता जो बच्चा हो गया था, प्रियांशु नाम है उसका, प्रियांशु नायक नाम बताया जा रहा है, उस बच्चे की लाश मिली है और हत्याकर्ता भी पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है। होने वाला उसका जीएसटी बताया जा रहा है, और रिश्ता मृतक बालक की बहन के साथ उस आरोपी युवक के साथ होने वाला था, और इस दौरान ये बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। पुलिस ने बालक का शव घटना स्थल से बरामद कर लिया है। आरोपी ने स्वयं घटना स्थल पर जाकर बच्चे की लाश पुलिस के सुपुर्द किया है। जैसे कि रविंद्र ने जानकारी दी कि बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है बच्चे की लाश को, और कल तक इसके बारे में पूरी जानकारी निकल कर आएगी। रविंद्र, अभी फिलहाल पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? उस पुलिस से ज्यादा जानकारी नहीं दी है, बट कल पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा बोल के बोल दिए हैं पुलिस वाले। उसको बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में मर्चुरी में ले जाया गया है उसको रखने के लिए, और कल पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उसकी पूरी जानकारी हमको दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये थे रविंद्र टंडन। बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखें, अगर कोई नया अपडेट आता है तो हमें अपडेट करें। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमशाजर की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिलासपुर के मसूरी क्षेत्र से, जहां पर एक नाबालिग बच्चे की लाश मिली है। वो उस बच्चे की लाश मिली है जिसको किडनैप करने की घटना हमने दोपहर के समय आपको बताई थी कि उसका किडनैप कर लिया गया है किसी नकाबपोशों के द्वारा, उसे किडनैप किया गया है। परंतु अब जाकर कन्या छात्रावास से, पचपीढ़ी के कन्या छात्रावास से उस बच्चे की लाश मिली है, और उसका हत्या करने वाला जो आरोपी है वह भी पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, और उसी ने उसकी लाश को बताया है कि उसने किस प्रकार से मारा और कहां पर उसे रखा। अधिक जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही निकलकर सामने आएगी। आप देख रहे थे आरजे रमशाजर, मैं था पुखराज सिंह, और मेरे साथ जुड़े हुए थे रविंद्र टंडन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बने रहें आपके अपने टीवी चैनल के साथ आरजे रमशाजर। थाना क्षेत्र में आज करीब 1 बजे एक रिपोर्ट आई, जिसमें प्रथम दृष्टया लोगों ने किडनैपिंग का मामला होना बताया। एक 9 साल का बालक प्रियांशु नायक, वो 11 बजे से लापता था, और उनके घर वालों ने आकर के रिपोर्ट कराई, और दिन भर सारी टीम्स हमारी लगी हुई थी, और अंत में तफ्तीश में ये निकल के सामने आया कि जो आरोपी है ओम नायक नाम का लड़का है, जिसके साथ जो मृतक के पिताजी हैं उन लोग ओम नायक के साथ उनकी बेटी का रिश्ता करने वाले थे, यानी मृतक की बहन का रिश्ता करने वाले थे, और उसको देखने के लिए, लड़की देखने के लिए आरोपी ओम नायक के घर वाले भी आने वाले थे, ऐसा करके लड़की वालों की जानकारी में था। परंतु जो आरोपी है उसने अपने घर वालों को इसके लिए सूचित नहीं किया था। जब तफ्तीश में यह बात सामने आई तभी से इस लड़के पे हम लोग को शक हुआ, और इससे लगातार पूछताछ की जा रही थी, और फिर शाम को इसने अंततः कबूला है कि इसने उस बालक की सुबह लगभग 11 बजे करीब हत्या कर दी थी। जो आरोपी है ओम नायक, इसका मृतक के परिवार से काफ़ी आना जाना इसका था, काफ़ी जान पहचान थी, और यहाँ पे आरोपी जो है उसकी बड़ी माँ यहाँ पे रहती है, लगभग 1 महीने से वो पचपेड़ी में अपनी बड़ी माँ के यहाँ था, और प्रियांशु जो मृत बालक है उसके साथ इसका उठना बैठना खेलना भी था, वो बच्चा इसके साथ खेलता भी था, कई बार बड़ी माँ के यहाँ जा कर के आरोपी की उनके साथ खाना भी खाता था, तो काफ़ी इनमें मेलजोल था। आरोपी के बतायानुसार रात सुबह 9:30-10 के आसपास इन लोग कुछ खेल रहे थे, भौंरा खेलने की बात आरोपी ने बताई है प्रियांशु के साथ, और उसी में इसका कुछ छोटा विवाद होना बता रहा है, और उसी विवाद में बच्चे का मुंह दबा करके हत्या करना इसने बताया है, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और भी हो सकता है, उसकी पूछताछ पुलिस के ने उनको हिरासत में लिया हुआ, और पूछताछ के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मृत्यु हत्या का एग्जैक्ट कारण क्या था। आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग।